हाय फ्रेंड्स, मैं पंकज विश्वकर्मा बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम पे। तो फ्रेंड्स, चलिए आज हम जानेंगे कि सैंपलिंग प्लान क्या होता है और AQL एक्सेप्टेंस क्वालिटी लेवल के बारे में भी हम जानेंगे और एक्सेप्टेंस सैंपलिंग क्या होती है, हम इसके बारे में भी हेल्दी डिस्कशन करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं और देखते हैं कि सैंपलिंग प्लान आखिर होता क्या है। तो यहाँ डिफिनीशन है कि जैसे कि हर एक चीज डिफिनीशन में ही पता चल जाता है, तो चलिए इसकी डिफिनीशन सबसे पहले हम जान लेते हैं सैंपलिंग प्लान की क्या होती है। ए फॉर्म ऑफ इंस्पेक्शन अप्लाइड टू लॉट और बैचेस आइटम बिफोर और आफ्टर ए प्रोसेस टू जज कन्फॉर्मेंस टू प्री डिटरमाइन स्टैंडर्ड्स। मतलब कि जो भी कोई एक प्रोडक्शन यदि होता है कहीं पे, तो वहाँ पे बहुत सारे बैचेस निकलते हैं, बहुत सारा लॉट्स निकलता है, बैचेस में होता है, बहुत सारे बड़े बड़े बल्क लॉट होते हैं, तो 100% किसी भी लॉट का इंस्पेक्शन करना पॉसिबल नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं कि उस लॉट में से छोटे छोटे सैंपल साइज बना लेते हैं और उन सैंपल साइज का, उन सैंपलों का हम इंस्पेक्शन करके हम ये जज करते हैं कि हमारा जो लॉट है, जो बैच है, ये ओके है कि नॉट ओके है। और जो हम जजमेंट देते हैं वो हम एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के बेस में देते हैं, अगेंस्ट देते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, सैंपलिंग या सैंपलिंग प्लान। तो चलिए जानते हैं कि एक्सेप्टेंस सैंपलिंग जो है यूजफुल है कब, एक्सेप्टेंस जो हमें सैंपलिंग है, सैंपलिंग कब करनी चाहिए और कब नहीं करनी चाहिए। तो लार्ज नंबर ऑफ आइटम मस्ट बी प्रोसीड इन द शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम। तो सैंपलिंग हमें कब करनी है, जब बहुत बल्क प्रोडक्शन हो रहा हो, हमारे पास टाइम कम हो, तब वहां पे हमें सैंपलिंग करनी है। द कॉस्ट ऑफ प्रोसेस डिफेक्ट इज वेरी लो। हमें हमारी सैंपलिंग में जो डिफेक्ट है वो पास होने का जो चांसेस हैं, जो खतरा है, वो बहुत कम हो। यदि पास भी हो जाए तो उस डिफेक्ट्स की जो कॉस्ट आए जो बहुत कम हो, तब हम सैंपलिंग कर सकते हैं। अब क्या होता है दोस्तों कि जब हम 100% इंस्पेक्शन करेंगे तो उसमें क्या होता है, फटीक भी हो सकता है, ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा नंबर ऑफ आइटम इंस्पेक्ट करने पड़ेंगे, तो ज़्यादा कॉस्ट लगेगी, ज़्यादा मैन पावर लगेगी। तो इन सबको रिड्यूस करने के लिए भी हमें एक्सेप्ट सैंपलिंग करनी चाहिए, ये करते हैं। अब दोस्तों क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग रिक्वायर्ड, ये फिर रिक्वायर्ड यदि है तो हमें डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग भी करनी पड़ती है। डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग क्या होती है कि हर एक लॉट में से हम कुछ सैंपल लेते हैं और चेक करते हैं, उन्हें तोड़ के देखा जाता है। जैसे फास्टनर के केस में हम देखें तो कुछ पार्ट्स हम लेके उसका यूनिवर्सल टेंसाइल मशीन में लगाते हैं और टेंसाइल स्ट्रेंथ चेक करते हैं कि पार्ट में कितनी, इससे हमारा पार्ट फेल हो जाता है। तो जो यूटीएम जो टेस्टिंग है, फटीक जो टेस्ट है, तो 100% तो हम किसी पार्ट का या किसी लॉट का 100% कर नहीं सकते। इसमें केवल हम सैंपलिंग करके ही जज करते हैं कि हमारा जो पार्ट है वो लॉट है जो 100% ओके है कि नहीं है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं कि टाइप ऑफ सैंपलिंग क्या होती है और सैंपलिंग जो बेस होता है, सैंपलिंग के लिए भी क्या बेस होता है। लॉट साइज चाहिए होता है, किसी भी सैंपलिंग प्लान में हमें लॉट साइज चाहिए होता है, सैंपल साइज चाहिए होता है, नंबर ऑफ सैंपल कितने लेंगे वो चाहिए होता है, और एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन क्राइटेरिया चाहिए होता है। तो फ्रेंड्स जो हमारा सैंपलिंग प्लान है, तो फ्रेंड्स जो हमारा सैंपलिंग प्लान है ये तीन टाइप का होता है, जिसमें से हमारा पहला है सिंगल सैंपलिंग प्लान, दूसरा है डबल सैंपलिंग प्लान और है मल्टी सैंपलिंग प्लान। तो दोस्तों सिंगल सैंपलिंग प्लान में हम क्या करते हैं, ए रिस्पेक्टिव सैंपल ऑफ एन आइटम इज ड्रॉन फ्रॉम ए लॉट साइज ऑफ एन आइटम्स। मतलब पूरे होल्स लॉट में से हम कुछ सैंपल साइज लेते हैं जो कि हमारा स्मॉल एन है, बड़े एन से हम स्मॉल एन सैंपल लेते हैं। ईच आइटम इन द सैंपल इज examined एंड क्लासीफाइड एज ए गुड डिफेक्टिव। हम जो सैंपल लेते हैं हम पूरे लॉट में से अच्छी तरह से लेते हैं, जिससे कि हमें सारा जो डिफेक्ट है वो कैप्चर हो सके। इफ द नंबर ऑफ डिफेक्टिव एक्सीड ए स्पेसिफाइड रिजेक्शन नंबर, सी कट ऑफ द पॉइंट, द होल लॉट इज रिजेक्टेड, अदरवाइज होल लॉट इज एक्सेप्टेड। मतलब क्या कहना चाह रहा है, हम जो इसमें से सैंपल हमने लिए हैं, ठीक है, पूरी पॉपुलेशन में से जो हमने एन स्मॉल एन सैंपल लिए हैं, उसका हम अच्छी तरह से एग्जामिन करते हैं, अच्छी तरह से मेजरमेंट करते हैं, अच्छी तरह से चेक करते हैं और ये पता लगाते हैं कि जो हमारा स्टैंडर्ड है, जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है और जो रिजेक्शन का क्राइटेरिया है वो फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो हमारा एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है वो पूरा फुलफिल है कि नहीं है, जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है उसी के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है रिजल्ट। और यदि रिजल्ट आ रहा है तो इसमें या तो सैंपल हमारा जो पूरा लॉट है या तो एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए एग्जांपल में और अच्छे से आपको समझाता हूं।
कैपिटल एन है हमारा लॉट साइज है और जो स्मॉल एन है हमारा सैंपल साइज है। ओके सैंपल है तो हमने एक सैंपल ले लिया, सपोज एक सैंपल साइज हमारा 5 है तो हम इसमें से पूरे लॉट में से 5 सैंपल ले लिया और 5 सैंपल को हम अच्छे से चेक करेंगे, मेजरमेंट करेंगे और फिर मेजरमेंट के बाद में जो रिजल्ट आएगा वो हम बताएंगे कि सैंपल जो हमारा लॉट है ओके है कि नॉट ओके है। तो जो मेजरमेंट करेंगे जो हमारा स्टैंडर्ड डिफाइन है, प्री डिफाइन जो हमारा स्टैंडर्ड है उसके अगेंस्ट में सारे मेजरमेंट्स करेंगे, चाहे वो आप विजुअल करो चाहे वो आप डायमेंशनल करो, जितने भी मेजरमेंट्स आपके स्टैंडर्ड में दे रखे हो सारे मेजरमेंट्स करने के बाद में हम रिजल्ट बताएंगे कि सैंपल हमारा ओके है कि नहीं है। यदि हमारा सैंपल ओके होगा तो हमारा जो पूरा लॉट है वो ओके होगा, यदि सैंपल नॉट ओके है तो हमारा जो पूरा लॉट है वो नॉट ओके होगा। इसमें हमारा एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया होता है और रिजेक्शन क्राइटेरिया होता है। यदि रिजेक्शन क्राइटेरिया में यदि है कि 5 सैंपल में से एक यदि डिफेक्टिव आएगा तो पूरा लॉट हम नॉट ओके करेंगे, तो वो हमें फॉलो करना होता है। चलिए मैं और एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि सैंपलिंग आखिर होती क्या है। तो देखिए जैसे कि आप ये देख रहे हैं यहाँ पे पॉपुलेशन है। ओके अब पॉपुलेशन जैसे 1 लाख की आबादी है, आपने जनरली देखा होगा जब भी किसी कोई भी चुनाव होता है उसमें से एक एग्जिट पोल नाम का एक रिजल्ट आता है। तो एग्जिट पोल में वो बताते हैं कि आप कौन सा लीडर जीत रहा है कौन सा लीडर नहीं जीत रहा है। तो कैसे निकालते हैं वो क्या करते हैं, जैसे कि ये 1 लाख की सपोज दैट पॉपुलेशन होगी, आबादी हो गई, तो इसमें से वो कुछ बैचेज बनाते हैं, सैंपल बनाते हैं। उसमें से 10 का बैच बना लिया, 20 20 के बैचेस बना लिए, 30 30 के बैचेस बना लिए, वो सैंपल साइज लेके उनसे पता करते हैं, उनका इंटरव्यू करते हैं और उनसे पता लगाते हैं, तो उनके जो रिजल्ट्स होते हैं वो उसको एग्जिट पोल बोला जाता है। तो ये होती है दोस्तों सैंपलिंग। सपोज 1 लाख की आबादी से उन्होंने 1,000 या 2,000 लोगों को इंटरव्यू कर लिया, तो उसमें क्या कर लिया, सैंपलिंग कर ली उन्होंने और सैंपलिंग से पता लगा लिया कि लोगों का मत क्या है। चलिए तो फ्रेंड्स अब देखते हैं डबल सैंपलिंग प्लान। डबल सैंपलिंग प्लान क्या होता है, तो डबल सैंपलिंग प्लान अलाउ द अपॉर्चुनिटी टू मेक ए सेकंड सैंपल इफ द रिजल्ट ऑफ द ओरिजिनल सैंपल आर इंक्लूसिव। मतलब डबल सैंपलिंग प्लान हमको एक बार और मौका देता है अपने लॉट को एक्सेप्ट करने के लिए, जब हमारा पहले फर्स्ट सैंपलिंग का रिजल्ट क्या है, किसी रिजल्ट पे ना पहुंचे, किसी नतीजे पे ना पहुंचे, तब हम डबल सैंपलिंग प्लान करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, हम स्पेसिफाइड द लॉट साइज साइज ऑफ द इनिशियल सैंपल, हम इसमें दोबारा लॉट साइज और इनिशियल सैंपल का जो है स्पेसिफाइड करते हैं कि हमें लॉट साइज कितना रखना है, सैंपल साइज कितना रखना है। द एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन इंक्लूसिव क्राइटेरिया फॉर द इनिशियल सैंपल, और इनिशियल सैंपल के नाम हमारा एक्सेप्टेंस का क्राइटेरिया क्या रहेगा, रिजेक्शन का क्राइटेरिया क्या रहेगा, और कंक्लूसिव यदि कुछ आता है तो उसका क्राइटेरिया क्या रहेगा। स्पेसिफाइड द साइज ऑफ द सेकंड सैंपल एंड द एक्सेप्टेंस रिजेक्शन क्राइटेरिया बेस्ड ऑन द टोटल नंबर ऑफ द डिफेक्टिव इन बोथ द फर्स्ट एंड सेकंड सैंपल। अब इसमें हम क्या करते हैं, जो इसका हम एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया डिफाइन करेंगे तो बेस्ड ऑन द फर्स्ट एंड सेकंड सैंपल के बेस्ड में करेंगे, जो कि हमारा दोनों सैंपल के बेस्ड में जितना रिजेक्शन है एक्सेप्टेंस का क्राइटेरिया आया होगा उसके बेस में हम एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया डिफाइन करेंगे सेकंड सैंपलिंग का। चलिए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे हमारा ये लॉट हो गया, लॉट में से हमने ये ले लिया सैंपल। अब इसमें से यदि मेरा कोई कंक्लूसिव आ गया जिसमें कि मैं कुछ ही रिजल्ट पे नहीं पहुंच पाया, एक्सेप्टेंस हमारा जो लॉट है एक्सेप्टेंस लॉट के और रिजेक्शन का जो हमारा लॉट है एक्सेप्टेंस के यदि अंदर अंदर आ गया तो अब मैं कुछ सेकंड सैंपलिंग करने की जरूरत नहीं है। अब मान लीजिए फर्स्ट सैंपल इनकंक्लूसिव टेकन सेकंड सैंपल, तो हमारा जो रिजल्ट आ गया वो बीच में आ गया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरा सैंपल लेना पड़ेगा, क्योंकि हम किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पा रहे हैं कि हमारा जो लॉट है वो ओके है कि नहीं है, तो हम सेकंड सैंपल लेंगे। तो डबल सैंपलिंग में क्या करते हैं, कंपेयर द नंबर ऑफ द डिफेक्टिव फ्रॉम द फर्स्ट रैंडम सैंपल टू सी एल एंड सी यू एंड मेक अप्रोप्रिएट डिसीजन हियर, जहां पे सी एल जो हमारा क्या है लोअर लेवल ऑफ द डिफेक्टिव है, सी टी क्या है अपर लेवल ऑफ द डिफेक्टिव है, एंड टोटल अलाउंस ऑफ द डिफेक्टिव जो हमारा सी यू है। तो यदि हमारा सी एल के अंदर अंदर आ गया मतलब एक्सेप्टेंस लॉट, तो कोई दिक्कत नहीं, सेकंड सैंपलिंग करनी ही नहीं है। यदि रिजेक्शन अपर लेवल के ऊपर जाता है तो हमें सेकंड सैंपलिंग करनी पड़ेगी, या कि कोई कंक्लूसिव हम डिसीजन पे नहीं पहुंच पा रहे हैं तो हमें सेकंड सैंपलिंग करनी पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं, यहां पे हम सेकंड सैंपल ले लिया। अब कंपेयर द नंबर ऑफ द डिफेक्टिव बोथ लॉट टू द सीटी मेक द अप्रोप्रिएट डिसीजन।
जो हमारा फर्स्ट सैंपल में जो हमारे रिजेक्शन जितना मिला है वो हमें सेकंड सैंपलिंग में जितना मिला है, हम दोनों को कंपेयर करेंगे और देन डिसीजन लेंगे कि हमारा जो लॉट है वो ओके है कि नहीं है, मल्टी सैंपलिंग। तो फ्रेंड्स, मल्टी सैंपलिंग प्लान इज सिमिलर टू द डबल सैंपलिंग प्लान इन दैट सक्सेसिव ट्रायल आर मेड ईच ऑफ विच हैज एक्सेप्टेंस रिजेक्शन एंड इंक्लूसिव ऑप्शंस। विच प्लान यू हैव चूज डिपेंड ऑन द कॉस्ट एंड टाइम, नंबर ऑफ द सैंपल नीडेड एंड नंबर ऑफ द आइटम्स इन द ई सैंपल। इसमें भी हमें डिफाइन करना है कि हमें कितने का सैंपल लेना है और सैंपल में कितने सैंपल साइज होना चाहिए। अब इसको दोस्तों जो मल्टी सैंपलिंग करते हैं तो बेस्ड अपॉन द हम कॉस्ट करते हैं कि जो हमारा बैच है वो कितना कॉस्टली है, जो हमारा आइटम है कितना कॉस्टली है, जो रिजेक्शन की कॉस्ट है कितना कॉस्टली है। ओके, यदि डिफेक्ट आएगा तो हमें कितना कॉस्टली पड़ेगा, इस बेस में मल्टी सैंपलिंग करते हैं। ये हमारा डबल सैंपलिंग की तरह ही होता है। इसमें भी हमें सैंपल साइज डिफाइन करना है और लॉट साइज डिफाइन करना है, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया डिफाइन करना है, रिजेक्शन का क्राइटेरिया डिफाइन करना है और एक्सेप्टेंस लॉट भी डिफाइन करना है कि क्या होता है, कैसे होता है, क्या लेना है, कितना एक्सेप्ट करेंगे कितना रिजेक्ट करेंगे। तो मल्टी सैंपलिंग जो है हमारा सिमिलर टू डबल सैंपलिंग होता है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं कि पर्पज ऑफ सैंपलिंग प्लान, पर्पज क्या होता है इसका करने का। तो जो हमारी सैंपलिंग प्लान करने का जो पर्पज होता है तो क्या है, पहला फर्स्ट डिटरमाइन द क्वालिटी लेवल, क्वालिटी लेवल को डिफाइन करने के लिए होता है, और इंश्योर क्वालिटी इन विद इन प्री डिटरमाइन स्टैंडर्ड, जो हमने स्टैंडर्ड फिक्स कर रखे हैं उसके अगेंस्ट में हमारे पार्ट की क्वालिटी क्या आ रही है, कैसी है, जो कस्टमर को चाहिए, जो कस्टमर ने स्टैंडर्ड दे रखे हैं उसके अगेंस्ट में पार्ट की क्वालिटी क्या है वो डिफाइन करने के लिए, वो जज करने के लिए हम सैम्पलिंग करते हैं। और दोस्तों हर एक चीज के कुछ एडवांटेज होते हैं, कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। तो चलिए आज हम जानते हैं कि सैम्पलिंग प्लान के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होते हैं। यदि तो मैं एडवांटेज की बात करूं तो इकोनॉमी हमें बहुत ही सस्ता पड़ता है, लेस हैंडलिंग लेस डैमेज, इसमें हमें कम डैमेज और कम हैंडलिंग करना पड़ता है क्योंकि सीधे लॉट में से सैंपल उठा लेंगे तो कम हैंडल करना पड़ेगा तो डैमेजेस कम आएंगे। फ्यूअर इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन भी कम करना पड़ता है। अपग्रेडिंग ऑफ इंस्पेक्शन जॉब, हमारी जो इंस्पेक्शन की जॉब है वो अपग्रेड होती है। अप्लीकेबिलिटी ऑफ द डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, यदि हमारे डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग भी कहीं अप्लीकेबल है तो हम वो कर सकते हैं। इंटायर लॉट रिजेक्शन मोटिवेशन फॉर द इंप्रूवमेंट, इसमें पूरा लॉट जो है रिजेक्शन होने से बच जाता है और मोटिवेशन फॉर द इंप्रूवमेंट, मोटिवेशन इंप्रूवमेंट के लिए हमें मोटिवेशन मिलता है। चलिए अब इसके जानते हैं डिसएडवांटेज क्या होते हैं। रिस्क ऑफ द एक्सेप्टिंग द बैड लॉट एंड द रिजेक्टिंग द गुड लॉट, हम जब सैम्पलिंग करेंगे तो दोस्तों हमें रिस्क होता है कि हम बैड लॉट को, गलत लॉट को एक्सेप्ट कर सकते हैं और सही लॉट को रिजेक्ट कर सकते हैं। एडेड प्लानिंग डॉक्यूमेंटेशन, तो फ्रेंड्स जब हम सैम्पलिंग करेंगे तो उसके लिए हमें कुछ प्लानिंग करनी पड़ेगी और उसके बेस में डॉक्यूमेंटेशन भी करना पड़ेगा, सैम्पलिंग प्लान बनाना पड़ेगा, उसके रिकॉर्ड्स रखने पड़ेंगे, ये सारी चीजें डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा। तो एक डिसएडवांटेज में आता है कि उसके लिए हमें प्लानिंग करनी पड़ती है, तो प्लानिंग करने में टाइम लगेगा, मैन पावर लगेगी, और डॉक्यूमेंटेशन करेंगे तो मैन पावर लगेगी, कॉस्ट लगेगी। और क्या है, सैंपल प्रोवाइड लेस इंफॉर्मेशन देन 100%, जो हम सैंपलिंग करते हैं तो सैंपल हमेशा लेस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, लेस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा अगेंस्ट 100% सैंपलिंग के, क्योंकि जब 100% पार्ट आप चेक करोगे तो आपको हर एक पार्ट के बारे में जानकारी मिलेगी, जब सैंपल करोगे तो आपको कुछ पार्ट्स के बारे में जानकारी मिलेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब जानते हैं आज हम कस्टमर एक्सेप्टेंस लेवल क्या होता है। तो दोस्तों कस्टमर्स को भी पता है कि 100% क्वालिटी लेवल मीट नहीं हो सकता है, तो उन्होंने कुछ हमें एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया दिए हैं, कुछ क्वालिटी लेवल दिए हैं जो कि मीट होना चाहिए। द एक्सेप्टेंस क्वालिटी लेवल AQL इज द परसेंटेज लेवल ऑफ द डिफेक्ट्स एट विच ए कस्टमर इज विलिंग टू एक्सेप्ट ए लॉट एज ए गुड, मतलब कि कस्टमर ने हमें कुछ टॉलरेंस दे रखे हैं कि यदि आपके इस लॉट में इतने परसेंट तक डिफेक्ट मिलेगा तो मैं इस लॉट को एज ए गुड एक्सेप्ट करूंगा। इसको हम बोलते हैं AQL, एक्सेप्टेंस क्वालिटी लेवल। द लॉट टॉलरेंस परसेंटेज डिफेक्टिव LTPD इज द अपर लिमिट ऑन द परसेंटेज ऑफ द डिफेक्टिव दैट ए कस्टमर इज विलिंग टू एक्सेप्ट, मतलब दोस्तों टॉलरेंस परसेंटेज डिफेक्टिव LTPD इज द अपर लिमिट ऑन द परसेंटेज ऑफ, मतलब जो LTPD कस्टमर हमें देता है उसकी अपर लिमिट होती है कि यदि इसके अंदर अंदर आपका डिफेक्ट रेट रहेगा तो मैं लॉट को एक्सेप्ट
कर लूंगा, और यदि इसके ऊपर जाएगा तो मैं उसको रिजेक्ट कर दूंगा। पर तो हमेशा एक्सेप्ट करेगा लॉर्ड जो उसने क्वालिटी लेबल हमें दे रखा है। तो क्वालिटी लेबल के यदि अंदर अंदर हमारे पार्ट में डिफेक्टिव है तो कस्टमर ऑलवेज उसको एक्सेप्ट करता है। बट यदि डिफेक्ट रेट जो हमारा LTPD के ऊपर चला जाएगा, तो लॉट टॉलरेंस परसेंटेज डिफेक्टिव के यदि ऊपर चला जाएगा, तो कस्टमर उस लॉट को नहीं एक्सेप्ट करेगा। इसीलिए हम सैम्पलिंग प्लान बनाते हैं, AQL बनाते हैं और उसको फॉलो करते हैं। तो दोस्तों आई थिंक कि आज आपको मेरे इस सेशन में सैम्पलिंग प्लान, AQL, LTPD बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और मैं आशा करता हूं कि आप सब लोगों को बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हाँ यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको जरूर शेयर करें, ताकि वो भी इस नॉलेजबल वीडियो का यूज कर सके अपने कैरियर में और कैरियर में ग्रोथ कर सके। थैंक यू फ्रेंड्स।